तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो पर। यहाँ पर आपका वो वीडियो आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से आपका इंतजार था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। यहाँ पे आपका बायोलॉजी का पूरा आपका सेट वायरल करने के बाद आपके लिए मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ 101% आपका 1 अप्रैल का जीव विज्ञान का 100% आपका असली पेपर। यहाँ पर सेट ए आपका यहाँ पर वायरल हो चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और पेपर आपका यहाँ पे हो चुका है, आपका यहाँ पे दूसरा सेट आपका 101% आ चुका है। देख लो, इसके पहले मैंने आपको यहाँ पे सेट आपका भी दिया था पूरा प्रॉपर। मैंने आपको इन क्वेश्चन के आपको आंसर मैंने आपको बता दी थी। आपने ये आपका पूरा आपका सेट आपने पढ़ा होगा और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए पूरे क्वेश्चन आपने यहाँ पे देख लिए होंगे। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका यहाँ पर आ गया है, देखिए आपका सेट आपका यहाँ पे ए आपका, देखिए 19 क्वेश्चन, 3 घंटा समय आपका, यहाँ पे 70 अंक आपका यहाँ पे पेपर, और आपका यहाँ पे टोटल 8 पेज है प्रॉपर। आप यहाँ पर ब्रांडिंग देख लो पूरा आपका यहाँ पे, देखिए आपका पूरा प्रॉपर ब्रांडिंग 22901 आपका यहाँ पे देख लीजिए। और इसके साथ आपका पूरा 925 इसका आपका विषय कोड है। रट कर जाना एक एक क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। मैं आपको यहाँ पे मात्र आपके 2 सेट दूंगा, एक आपका सेट बी और इसके बाद सेट ए। तो जैसा कि आपको यदि भरोसा ना हो तो आप यहाँ पे पुराने पेपर उठाकर देख लीजिए और ये आपका सेट बी दोनों सेट करके जाओगे तो सभी सेट में आपके यही आपके पेपर आएंगे आपका। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में गर्दा उड़ाते हैं, टॉप करोगे, 70 में से 70 नंबर ही लेकर आओगे। तो चलिए यहां पर एक एक क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो देखिए आपको मैं इस पेपर का आपको यहाँ पे देखिए टोटल आपके इसमें कितने पेज है, आपके 8 पेज है। तो लास्ट में आप यहाँ पे देख लो आपके इसमें टोटल आपके इसमें 8 पेज आपका लास्ट है। तो मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दूंगा आपको, डायरेक्टली यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 में से, ठीक है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे मैं आपको सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 5 आता है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपका, संघ आपका आर्थ्रोपोडा कि आपको कोई आपको 2 लक्षण लिखना है आपका। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ दिया, आपको मैं यहाँ पे 6 आपका पेज से आंसर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पूरे आंसर आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक से दूंगा। देखिए आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे आपका जो पेपर होता है वो आपके 6 सेट के आपके रियल पेपर के मिक्स करके देते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ये 70 से आपके 90% क्वेश्चन हर सेट में सेम रहते हैं। तो आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन संघ आर्थ्रोपोडा के आपके यहाँ पे कोई आपको 2 लक्षण बताना है। तो चलिए हम आपको फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन 5वां, देखिए संघ आपका आर्थ्रोपोडा के आपको 2 लक्षण, पहला आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसमें, इस संघ में संधियुक्त पैर वाले जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। जब यह जंतु समुदाय का सबसे बड़ा संघ है, कुल जंतुओं का आपके यहाँ पे लगभग 2/3 भाग आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। तो दोस्तों आज मैं सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहां इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी अपना ऐप भी लाने वाला है जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विजेज मिलेंगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रखा है और इनाम जीतिए। और इस संघ में 9 लाख जातियां सम्मिलित हैं, ठीक है। आपको इसमें विशेषता क्या लिखना है, पहले लिखना है भाई इस संघ के सदस्य लगभग सभी आवासों में पाए जाते हैं जैसे समुद्री जल और आपके यहाँ पे स्वच्छ जल, वायु, स्थल और आपका यहाँ पे परजीवी आदि के रूप में। दूसरा, इन जंतुओं में अंग तंत्र स्तर का शारीरिक आपका संगठन पाया जाता है। इसके बाद इस संघ के जंतुओं में द्विपार्श्व समिति त्रिस्तरीय व्यवस्था वाला आपका वास्तविक देहगुह होता है। और चौथा यहाँ पे देखिए आपका 2 अंक का क्वेश्चन, शरीर बाह्य रूप से खंडों में विभाजित होता है और इसमें काइटिन और क्यूटिकल का बना मोटा एक कठोर कंकाल पाया जाता है। आपको यहाँ पे देखिए 2 ही लक्षण आपको लिखने हैं, तो आप यहाँ पर 2 लक्षण याद कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे द्विनिषेचन किसे कहते हैं, तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर एक एक अथवा सहित कर लेना। हर एक सेट में क्वेश्चन आपके यहाँ पे दोनों आपके सेट, आपका ये वाला सेट आपका यहाँ पे सेट बी से और आपका यहाँ पे सेट आपका ए से आने वाला है। यकीन मानो
कल अगर यदि एक भी क्वेश्चन बाहर गया तो मैं यहाँ पर YouTube से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। और मैं यहाँ पे आपसे एक बार दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे मेहनत के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, दिल से वीडियो लाइक कर दीजिए, धड़ाधड़ लाइक करिए और गर्दा मचा दीजिए, ठीक है। चलिए द्विनिषेचन, तो आपको यहाँ पे द्विनिषेचन का आपको आंसर मैं दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर द्विनिषेचन का पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए पूरा आंसर आप यहाँ पे भ्रूणकोश में पहली बार एक नर मादा युग्म अंड का निषेचन होता है, दूसरी बार में दूसरे नर युग्मक द्वारा द्वितीयक आपका न्यूक्लियस का निषेचन होता है। आवृत बीजों में यह विचित्र व्यवहार द्विनिषेचन के नाम से जाना जाता है। इसे पढ़ लो और पूरा आपको यहाँ पे देखिए, प्रथम पोलर नाभिक आपका, इसके बाद द्वितीय पोलर नाभिक, इसके बाद द्वितीय नर युग्मक, आपको यहाँ पे पूरा आंसर कर लेना है, स्क्रीनशॉट करके रट लेना। और इसका आप यदि महत्व चाहते हैं तो आपको यहाँ पे द्विनिषेचन के आपको महत्व आपके पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपका दिया गया है। देखिए वैज्ञानिक के मतानुसार बीजों के बनने के लिए द्विनिषेचन आवश्यक है और यह आवृत बीजों में प्रमुख लक्षण है। द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप यहाँ पे त्रिसंयोजन होता है और पोषक भ्रूण पोष का विकास होना संभव है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, त्रिशल्यन को आपको स्पष्ट करना है। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर मैं आपको यहाँ पे त्रिशल्यन के बारे में पूरा आपको देता हूँ। यदि आपने सेट बी कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, त्रिशल्यन के बारे में पूरा आंसर, यहाँ पे त्रिशल्यन आवृत बीजों द्वारा प्रदर्शित एक विशिष्ट परिघटना द्विनिषेचन का एक चरण है। इस घटना में तीन आपका अघूर्णित केंद्रकों का शल्यन होता है, आता है त्रिशल्यन कहलाता है। और त्रिशल्यन बीजांड में स्थित भ्रूणकोश में संपन्न होता है। पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश के बाद दो नर युग्मक उसमें से मुक्त करती है। ये क्वेश्चन आप रट लेना। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पे, जैव संदीप्ति से क्या आशय है आपको, ये क्वेश्चन। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर मैं आपका जैव संदीप्ति के बारे में आंसर देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आपका अध्यापक आंसर, देखिए जैव संदीप्ति के बारे में पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिखा गया है, आप इसमें देख सकते हैं। जैव संदीप्ति प्राणियों में उत्तर जीवता के लिए अनुकूल का प्रक्रम का अंग है। विभिन्न जीव में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन करते हैं। जिन प्राणियों को यह जीवन यापन के लिए अंधेरे में इधर उधर आना जाना पड़ता है और इसके लिए उन्हें दृष्टि का उपयोग करना पड़ता है और उनमें अनुकूलन के कारण या आंखें बड़ी होती है या फिर प्रकृति के अनुसार शरीर में ही उसमें टार्च लगा दी जाती है। जैसे कि देखिए आपने यहाँ पे जुगनू देखा होगा, ठीक है, केट सार्क, गल्फ प्राइल और आपका यहाँ पे जेलीफिश, ये आपके जलते हैं समुद्र में, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो जुगनू होता है ये तो आप हर घर में देखे होंगे पूरे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे इसमें धुंधले आपके दिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपका क्लियर है लेकिन आपका ये पेज का आंसर आपको धुंधला दिख रहा है, तो आपको मैनेज करना है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसे रट लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिया है 7वां, पुष्प क्रम को आपको परिभाषित करना है। तो आपको यहाँ पे पुष्प क्रम के बारे में आपको पूरा आंसर हम यहाँ पे देते हैं। चलिए आपके एक एक क्वेश्चन के आंसर, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7वां, पुष्प क्रम क्या है, तो प्रवरोह का वह भाग जिस पर पुष्प लगे होते हैं पुष्पावली व्रंथ कहलाता है और इस पुष्पावली व्रंथ में पुष्प सीधे या फिर पुष्प व्रंथ द्वारा आपका जुड़े रहते हैं। इसे पूरा पढ़ लो, आपका आंसर जैसे गुड़हल और आपका यहाँ पे क्या लिखा है नास्ट सीरियल, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए जैसे आपका नाइजेला पोस्ट आदि, आपको यहाँ पे पढ़ लेना है पूरे आंसर, आपको एक एक रटते हुए चलना है, आपको यहाँ पे बार बार पॉज करके आंसर रटिए। इसके बाद कॉलन काइमा, यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन, कॉलन काइमा भाई साहब आपका क्या है, आपको यहाँ पे इसके दो कार लिखने हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे कॉलन काइमा के आपको हम दो कार आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉलन काइमा के बारे में, तो देखिए आपको ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कॉलन काइमा क्या है, तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर, ये ऊतक खाद्य पदार्थों का संचय एवं हरित लवक की आपके उपस्थिति कारण प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इनका प्रमुख कार्य ऊतक द्वारा तंत्र में तनन क्षमता बढ़ाना होता है। ये आपका यहाँ पे कॉलन काइमा का। और यदि आप कुछ और इम्पोर्टेंट पढ़ना चाहते हैं तो देखिए आपका यहाँ पे सेट बी में जाइलम और फ्लोएम वाला आ चुका है क्वेश्चन, और वार्षिक वलय वाला यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका कॉलन काइमा, और इसके बाद आपका यहाँ पे पैरेन्काइमा के आप यहाँ पे कार पढ़ सकते हैं या फिर आपका विभज्योतक आपीपी आईएमपी के बारे में इसे आपके आईएमपी के रूप में इसे देखकर जा सकते हैं, ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपके यहाँ पे उपास्थि और अस्थि में आपके यहाँ पे कोई आपको दो अंतर बताना है। तो चलिए आपको यहाँ पे अस्थि और उपास्थि में दो अंतर आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पर देखो आपके यहाँ पे उपास्थि और अस्थि में दो अंतर। पहला देखिए भाई साहब, इसमें तंतुमय संयोजी ऊतक का दोहरा आवरण होता है जैसे पेरी अस्थि पेरियास्टियम कहते हैं, और यह एक सुदृढ़ पतली एवं तंतुमय झिल्ली होती है, इसमें पर्युपास्थि आपका पेंडियम कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे तीसरा पॉइंट और चौथा पांचवा जितने आपको यहाँ पे दो ही आपको याद करने हैं। और इसके बाद क्वेश्चन दिया यहाँ पे देखिए आपका पर्ण विन्यास को आपको स्पष्ट करना है, तो आपके दो नंबर क्वेश्चन आपको पर्ण विन्यास आपका क्या है आपको इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे पहले इसका पर्ण विन्यास वाला आंसर हम आपको दिखाते हैं। भाई साहब कहाँ गया पर्ण विन्यास, कहाँ गया आपको ही तो ढूंढकर दिखाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं पर्ण विन्यास आपका यहाँ पे अगले चैप्टर पर होगा, आपका इसी में है।
तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर इसका पूरा प्रॉपर आपको मिल जाएगा। पर्ण विन्यास तने के ऊपर पत्तियों की व्यवस्था के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। प्रत्येक पौधे की पत्तियां अपने तने के ऊपर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। जैसे देखिए आपका यहाँ पे एकांतर और यहाँ पर विपरीत आपका अभिमुखी। आपको क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन रख लीजिए, आपको यहाँ पर टॉपर बनाकर छोड़ूंगा। आपको यहाँ पे देखिए जैसे अभिक्रमित राशि जैसे मदार, पुदीना और तुलसी। अभिमुखी कौन होता है जैसे जामुन और आपका यहाँ पे अमरूद। और चक्रीय पर्ण विन्यास जैसे कनेर। ठीक है, चलिए इस बार क्वेश्चन आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपका ER यानी इंडो प्लाज्मिक आपको रेटिकुलम के आपके दो कार बताने हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन नंबर आप कौन सा है यहाँ पे आपका क्वेश्चन है आपका 9 क्वेश्चन आपको मैं इसका आंसर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपको पूरा प्रॉपर आपको आंसर ER की रिक्तिकाएं कई इकाई झिल्ली से घिरी होती है तथा लंबे चपटे कोश अंडाकार और वृत्ताकार आशय नलिकाओं की बनी होती है। सभी रचनाएं केंद्र की झिल्ली के बहिर्गमन से बनती है। पहला कार ये कोशिका को यांत्रिक सहारा देने के लिए प्रोटीन का संश्लेषण में मदद करती है। इसके द्वारा कोशिका के अंदर परिवहन का होता है और ये कोशिका विभाजन के समय केंद्र की झिल्ली का निर्माण होते हैं और ये एंजाइम के लिए अतिरिक्त सतह प्रदान करती है तथा ग्लाइकोजन उपापचय में सहायता देती है। ठीक है, पूरा आंसर कर लो। इसके बाद क्वेश्चन 9 का आठवां देखिए, कोशिका भित्ति के दो कार आपको यहाँ पर कोशिका भित्ति के दो कार आपको मिल जाएगा। देखिए पहला यह कोशिका को शक्ति और कठोरता प्रदान करती है। यह वायवीय पौधे को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत ऊर्ध्व आपका यहाँ पे खड़े रहने में सहायता करती है। यह कोशिका के फैलाव और मुख्य भूमिका में आपका अदा करती है। यह कोशिकीय द्रव्य में संबंध स्थापित करती है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका 10 का आपका आठवां देखिए, यहाँ पे आंसर देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। तो छात्रों चलिए फटाफट यहाँ पर वीडियो लाइक कर दीजिए यार, दिल से लाइक करिएगा यार। बहुत मेहनत करते हैं दिन रात, आपको यहाँ पे मेहनत करते हैं। आपको पेपर यहाँ पर देने के लिए बहुत हमें रिस्क लेना पड़ता है, तब जाकर आपके क्वेश्चन मिलते हैं और आपको यहाँ पर हम प्रॉपर आपको पेपर प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए पहला आपको यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है, इसके बाद आपका कोशिका खांच द्वारा, और तीसरा आपका यहाँ पे कोशिका प्लेट के द्वारा। पूरा आंसर इसे रट लेना। यहाँ पे आपका सेट आपका बी में यहाँ पे कोशिका चक्र की J0 अवस्था प्रथम अवस्था क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका ग्राम धनात्मक और आपका यहाँ पे ग्राम आपका ऋणात्मक, यहाँ पे कोई आपको दो अंतर बताना है। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर इसका भी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पे ग्राम धनात्मक और आपको यहाँ पे ग्राम आपका ऋणात्मक जीवाणु में कोई दो अंतर। पहला कोशिका भित्ति के निर्माण में पेप्टो आपका ग्लाइकेन का बहुत बड़ा भाग होता है और इसमें काफी कम होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, कोशिका भित्ति में केवल कुछ लगभग आपके अमीनो अम्ल होते हैं और इसमें अम्ल आपका कोशिका भित्ति में उपस्थित होते हैं। इसमें देखिए आपको सिंपल देखिए 8 अमीनो अम्ल और इसमें लगभग आपका 20 होता है। इसमें लिपिड की मात्रा कम होती है और इसमें 20% होता है। ठीक है, चलिए फटाफट यहाँ पर देख लो और यहाँ पर याद कर लो। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 11वां क्वेश्चन। तो देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका 11वां जो आपका लिखा गया है, आपको हमने यहाँ पे 5 से लेकर आपके 10 तक के प्रॉपर आंसर दे दिए हैं और आगे के आपके जितने भी क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखिए आपका 12वां, 13वां, आपका 14 और आपका यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका 15वां, 16वां, 17वां, आपका 18, यहाँ पर देखो आपके 19 क्वेश्चन। इसके आपके प्रॉपर हम आपको आंसर पूरे आपके नेक्स्ट वीडियो पर प्रॉपर आपको दिखाएंगे। एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको हम यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले, पूरे आपके 8 पेज के आंसर यहाँ पर हम लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपके एक नेक्स्ट वीडियो पर, पूरा आपका पेपर यहाँ पर सेट आपका ए का कंप्लीट सोल्यूशन लेकर। वीडियो को दिल से लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, गर्दा मचा देंगे कल के आपके जीके पेपर में।